सतगुरुदेव की जय। ये थे हमारे बाबूराम जी। अब आज मैं एक बात वाजे तौर पर बताना चाहता हूँ कि श्री बाण नवल गुजराती वडियारी पचाई की सत्संग की जो जाने हैं ना, जो ताकत है। भगत साहब जब कनाडा चले गए तो उसके बाद सत्संग को जो संभालने वाली जो जान थी वो थी एक तरफ हमारे नटवर देव जी सोलंकी, दूसरी तरफ नारायण देव जी सोलंकी, उसके बाद तुलसी बान जी, बाबूलाल राम जी, मूलचंद अमथालाल चौहान और रतन सिंह अमथालाल चौहान, ये ताकतें थी जिन्होंने सत्संग के अंदर एक जान डाली। भगत जी की कमी को बहुत ज़्यादा कोशिश की कि पूरी हो जाए। तो मैं अब हमारे बुजुर्ग सत्संगी है, उनकी तबीयत कल से कुछ सही नहीं है, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश है कि मैं एक भजन करूं, तो मैं नटवर देव जी सोलंकी से प्रार्थना करूंगा क्या है और एक भजन बोले भाई। हाँ मुझे करी ना फोन बैठी जाऊँ। बाबी नवल साहब की ये भी बद्रीराम साहब की कृपा थी। मुझे कहा कि तुम अपने धुने बाप जी की गाते हो, अब नहीं धुने बनाओ। तो मैंने बाप जी अब मुझे तो संगीत की धुन बनाना आती नहीं। तो बद्रीराम ने कहा तुम जाओ तुम्हें धुन बनाना आएगा। तो उस कृपा को लेके कुछ धुने बनाई जिसमें 8 ही धुने हमारी। सागर से तार लिया है, सागर से तार लिया है, कर दे मोक्ष हमारे, कर दे मोक्ष हमारे, देखो जी मो पे सतगुरु भले है बिचारी, देखो जी मो पे सतगुरु भले है बिचारी। भव सागर से तार लिया है, भव सागर से तार लिया है,
یہ تھی ہماری ستسنگ کی جان کیونکہ بھگت جی کے بعد جو ہے یہی ہماری ستسنگ کی جان تھی اور جنہوں نے ستسنگ کو لے کے چلا اور آج ہماری شری بان نول گجراتی وڈیاری پنچایت میں ستسنگ کی جان انہی لوگوں کی وجہ سے اب میں ستسنگ کی اور جان جن کی وجہ سے جان بھی بہت ہوتا ہے اور پرچار بھی بہت ہوتا ہے اور وہ ہے پنڈت مول چند امتھا لال چوہان جو آپ کے سامنے ستسنگ کریں گے پنڈت مول چند امتھا لال چوہان